बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। आज का हमारा टॉपिक एक नया चैप्टर है डेप्रिसिएशन का, आईकॉम पार्ट टू चैप्टर नंबर 5 है सोहेल अफजल की बुक में डेप्रिसिएशन। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या है, देन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स कितने हैं और डेप्रिसिएशन के काजेज़ क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन देखें, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन कुछ यूं है कि ग्रेजुअली डिक्रीज इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिजिकल एसेट्स, कि किसी भी एसेट की मॉनेटरी वैल्यू में कमी आना, इस्तेमाल की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ जाना, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। अगर हम एसेट की बात करें तो हमारे पास एसेट्स, कुछ एसेट टेंजिबल होते हैं, टेंजिबल एसेट्स, और कुछ हमारे इनटेंजिबल एसेट होते हैं, और कुछ हमारे वेस्टिंग एसेट होते हैं। ये एसेट्स को अगर फिक्स एसेट की टाइप देखें तो बेसिकली फिक्स एसेट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। फर्दर हम देखें तो वेस्टिंग एसेट्स भी हमारी एक एसेट की टाइप में से है। टेंजिबल एसेट्स बेसिकली वो है, ये बेसिकली फिक्स एसेट की टाइप है, वो असासा जात जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, लाइक हमारी बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, देन मशीनरी हो गया एट्सेट्रा, ये टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जस्ट फील किया जा सकता है, लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, डिज़ाइन, फार्मूला एट्सेट्रा। और वेस्टिंग एसेट्स वो होते हैं कि जिनको इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल करते करते आखिरकार वो टोटली ख़त्म हो जाए, लाइक आपके फॉरेस्ट हो गया, माइंस हो गई एट्सेट्रा। तो ये तीन किस्म के एसेट्स हैं। अगर टेंजिबल एसेट्स के इस्तेमाल की वजह से, यूजेस की वजह से या वियर एंड टीयर की वजह से इसकी वैल्यू में कमी आए, टेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी आए, तो इसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारा इनटेंजिबल एसेट है। अगर इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी आए तो इसे हम अमॉर्टाइजेशन कहते हैं, अगर वेस्टिंग एसेट की वैल्यू में कमी आए तो इसे हम डिप्लीशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है कि फिक्स टेंजिबल एसेट्स की यूजेस की वजह से या वियर एंड टीयर की वजह से जितनी वैल्यूज कम होती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो तो इसे हम अमॉर्टाइजेशन, अगर वेस्टिंग एसेट की वैल्यू कम हो तो इसे हम डिप्लीशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास तीन एसेट की कैटेगरी थी और इनकी वैल्यूज में कमी आना, डेप्रिसिएशन, अमॉर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। देखा जाए तो कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन के सबब क्या है, कि डेप्रिसिएशन होती क्यों है। नेक्स्ट, कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, काजेज में कुछ काज इसके इंटरनल काजेज होते हैं और कुछ हमारे एक्सटर्नल हैं। पहले हम इंटरनल पे देखते हैं, इंटरनल काजेज, देन एक्सटर्नल। इंटरनल में लाइक हमारे पास वियर एंड टीयर है, कि चीज का टूट फूट की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आना, वियर एंड टीयर। देन इसके बाद हमारे पास डिप्लीशन है, और इस साइड पे देखा जाए तो एक्सटर्नल में हमारे पास फ्लक्सेस ऑफ टाइम है, वक्त के साथ साथ चीज की वैल्यू में कमी आना, एक्सीडेंट एट्सेट्रा की वजह से चीज की वैल्यू में कमी आ जाना। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये हमारे कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल बेसिकली यूजेस की वजह से या नॉर्मली इस्तेमाल की वजह से, वियर एंड टीयर की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आना, ये इंटरनल काजेज है। लाइक अगर चीज़ के एक्सटर्नल काज में एक्सीडेंट एट्सेट्रा हो जाए या वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आ जाए, तो ये कुछ हमारे एक्सटर्नल काजेज हैं। देन इसके बाद मैथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें, मैथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बेसिकली दो मेथड्स हैं हमारे पास। पहले मेथड का नाम स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट
स्ट्रेट लाइन, इसे हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। इसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। ये हमारा पहला मेथड था, स्ट्रेट लाइन, फिक्स इंस्टॉलमेंट या ओरिजिनल कॉस्ट। इसमें हम डेप्रिसिएशन कैसे मालूम करते हैं? स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का। एनुअल डेप्रिसिएशन, इसका फार्मूला ये है कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट जिस प्राइस में हम उसे परचेस करते हैं, यानी उसमें फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेज की, परचेज से लेकर कार उसे इंस्टॉल करने तक जितना एक्सपेंसेस होगा ये ओरिजिनल कॉस्ट में ही आएगा। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू उसकी यूजफुल लाइफ ख़त्म होने के बाद जिस वैल्यू पे हम उस मशीनरी को सेल आउट करते हैं वो स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। यूजफुल लाइफ उसे कितना इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल एक मशीनरी है जिसे हमने उसकी कॉस्ट जब ख़रीदा था तो कीमत 1 लाख थी सपोज करें, ठीक है। हमने एस्टिमेट लगाया कि इसकी यूज़फुल जो लाइफ है वो 10 ईयर होगी, तो ये यूज़फुल लाइफ जो है वो 10 ईयर हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखा जाए 10 साल बाद वो कितने की बिक सकती है, जितनी की बिकेगी 10 साल बाद वो उसकी स्क्रैप वैल्यू कराएगी। स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू सपोज कर लें 10 साल बाद वही मशीनरी जो है वो 20,000 में सेल आउट करेंगे। तो इसकी अगर डेप्रिसिएशन निकालनी हो तो हमारे पास फार्मूला देखें क्या था। फार्मूला था ओरिजिनल कास्ट, ओरिजिनल कास्ट हमारे पास 1 लाख है, माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू देखी जाए तो वो 20,000 है, ओवर यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ देखी जाए तो वो 10 ईयर है। तो 1 लाख में से 20,000 माइनस करें तो ये 80,000 आ जाएगा। 80,000 को अगर 10 पे डिवाइड किया जाए ये तकरीबन 8,000 आपकी डेप्रिसिएशन आएगी। तो हमारी एक साल की जो डेप्रिसिएशन है वो 8,000 है। फिक्स इंस्टॉलमेंट में या ओरिजिनल कॉस्ट या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा सेम रहती है। हर साल की डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, पहले साल की भी यही होगी, दूसरे की भी, तीसरे की, जितने साल का अकाउंट हमने बनाना है अगर पूरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो वो यही रहेगी, ठीक है। बाद उकात इसमें यूनिट डेटा दिया गया होता है, अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट हो तो हम डायरेक्टली रेट से डेप्रिसिएशन निकालते हैं, अगर डेप्रिसिएशन का रेट ना हो तो हम इस फार्मूले की मदद से डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ये हमारा पहला मेथड था जिसका नाम स्ट्रेट लाइन था। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो जो डेप्रिसिएशन मालूम करने का दूसरा मेथड है उसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या इसका दूसरा नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो ये इसके तीन नेम हैं, रिड्यूसिंग, डिमिनिशिंग एंड रिटर्न डाउन। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा हम बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होती रहती है, जो हमारे पास बैलेंस बचता है उस पर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। लाइक देखा जाए सपोज एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं हम कि एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपया है, ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन रेट है वो सपोज करें 10% है। हमें कहता है जी आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 4 ईयर की, 4 ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। तो देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले साल इसकी कॉस्ट देखें, पहले साल अगर कॉस्ट का बात की जाए तो 1 लाख थी, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितनी होगी, डेप्रिसिएशन तो हम इसी 1 लाख का 10% लेंगे। अगर इसका 10%, क्योंकि रेट हमारे पास 10% डेप्रिसिएशन है, तो मल्टीप्लाई करें 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये पहले साल की जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे पास 10,000 बन जाएगी, ठीक है। तो फिर बुक वैल्यू कितनी बचेगी, देखा जाए तो बुक वैल्यू, पहले हमारी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख थी, 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, बाकी बुक वैल्यू कितनी, जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो उसकी वजह से वो एसेट हमारा कम हो जाता है, तो बुक वैल्यू हमारे पास 90,000 की रह जाएगी। नेक्स्ट ईयर हम इस 90,000 पे जो है वो डेप्रिसिएशन लेंगे, क्योंकि डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग ये कहता है हमेशा बुक वैल्यू पे आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। तो इसका 10% लिया जाए
तो दूसरे साल हमारी डेप्रिसिएशन 9000 बनेगी, ठीक है। फिर बुक वैल्यू 90 में से 9 माइनस कर दें, तकरीबन 81000 रह जाएगी। तीसरे साल फिर इस 81000 पे हम डेप्रिसिएशन लेंगे, तो ये तकरीबन हमारी 8100 बन जाती है। तो यूँ इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, हमेशा बुक वैल्यू पे, इसीलिए हम इसे रिड्यूसिंग कहते हैं, कि बैलेंस जितना कम होता जाता है हम उसी पे डेप्रिसिएशन लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो मेथड हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक रिड्यूसिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं मेथड के तहत मुख्तलिफ क्वेश्चन करेंगे। सोहेल अफजल की बुक से है, आई कॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5। आई होप इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।